मॉर्निंग, मैं मुशाहिद खान, और अब से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक हमारे भाई है ताज मोहम्मद, जो कि हापुड़ के रहने वाले थे, और उनकी हमने उस वक्त मदद की थी। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी थी, रीढ़ की जो निचला हिस्सा वो काम नहीं करता था, और जब से अब तक मैं उनके पास नहीं जा पाया, लेकिन आज ये खुद मेरे ऑफिस पर आ चुके हैं। और ऑफिस पर आए हैं, ये दिल्ली गए थे दिखाने के लिए। ताज मोहम्मद गाड़ी में है, हम बात करेंगे ताज मोहम्मद से कि अभी कैसी हालत है। अस्सलाम वालेकुम ताज मोहम्मद, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। अब कैसी तबीयत है? जी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले से आराम है? जी पहले से तो बहुत ज़्यादा। जब हम आपसे मिले थे, अब से करीबन कितना महीने हो गया आपसे मिले थे? छः महीने हो गए। छः महीने हो गए, तो उस छः महीने से आज तक इलाज तो नहीं रुका आपका? नहीं नहीं इलाज नहीं रुका। अच्छा जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब अब जाकर कुछ फिजियोथेरेपी हो रही है, दो टाइम करा दी हमने, अब थोड़ी बहुत तेज बोलो जी। फिजियोथेरेपी दो टाइम करा रहे हैं, अब थोड़ी परेशानी हो रही है। अब मतलब किस चीज़ की परेशानी हो रही है? पैसे की परेशानी हो रही है अब थोड़ी। अच्छा ताज मोहम्मद, जो हमने आपको अकाउंट डाला था आपका, और कुछ पैसे 10,000 शायद हमने भी दिए थे जी जी, तो उस वक्त आज तक कितने पैसे आपके अकाउंट में? जी 1,43,000 रुपये आ गए जी। अच्छा जी, तो इलाज हो रहा है मुकम्मल? जी मुकम्मल, उस टाइम से फिजियोथेरेपी चल रही है और दवा चल रही है उस टाइम से जी। तो आज आप मेरे ऑफिस पे कैसे आए? जी हम दवा लेने आए थे, अब मतलब आपसे हमने बोला था, आप बोले तो यहाँ ऑफिस होते चले जाइए भाई। ये असल में दिल्ली एक संत परमानंद हॉस्पिटल है दिल्ली में, और वहाँ का ताज मोहम्मद का इलाज चल रहा है, और इलाज भी काफ़ी महंगा है। अभी ये 22-23,000 रुपये की ये लोग दवाई लेके आए हैं, 3 महीने की दवाई आई है, 3 महीने की, और इनको जब से अब तक करीबन 1.5 लाख रुपया इनको आया था। कुछ मदद हमने भी की थी उस वक्त, फिर इनका मेरे पास फ़ोन आया कि मुशाहिद भाई हमारा इलाज बीच में रुक जाएगा और हमें कुछ पैसों की और ज़रूरत है, तो इसीलिए फिर मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ कि ताज मोहम्मद का जो इलाज है वो बीच में नहीं रुकना चाहिए। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर ताज मोहम्मद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है। तो अभी कैसा फील कर रहे हो ये बताओ? बहुत अच्छा, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है जी, मेरे सब पता लगने लगा है, मेरे टांग भी मूवमेंट करने लगे हैं और हाथ भी काफ़ी ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर तबीयत है। अच्छा जी, ये उम्मीद है, बट डॉक्टर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर ने उम्मीद जगाई? जी जी पूरी उम्मीद, गारंटी ले रहे हैं जी डॉक्टर। अच्छा गारंटी डॉक्टर ले रहे हैं, लेकिन आप नमाज की पाबंदी कर रहे हो? जी पढ़ रहे हैं नमाज, नमाज से पढ़ रहे हो ना जी। तो आप क्या चाहते हो ताज मोहम्मद ये बताओ? जी बस ये चाहते हैं जिन लोगों ने पहले मदद की थी कि बस ये उनके सहारे से हमारा काम हो जाए, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि ताज मोहम्मद का जो इलाज है वो नहीं रुकना चाहिए, और आपसे की रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए, ऐसे जो लोग हैं वो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। ताज मोहम्मद वहाँ तो हम आ नहीं पाए, मैं अभी कुछ और पैसे दे रहा हूँ आपको भाई, ठीक है? ये कितना? ये 5,000 रुपये है भाई, ठीक है? तो 5,000 रुपये रख लो आप, रख लीजिए, इन 5,000 से अपनी फिजियोथेरेपी का जो खर्चा है वो दीजिएगा आप, और भी जो लोग हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। उम्मीद है कि आपका इलाज मुकम्मल हो, आप पैरों पर चलें, और एक हमें भी खुशी होगी कि हमने एक अपने भाई का इलाज कर हम करा पाए, उसको नई ज़िंदगी हम दे पाए। 6 महीने पहले जब हम ताज मोहम्मद के पास गए थे तो हमने उनकी वालदा से भी बात की थी, बड़े मायूस थे। आप उनकी अम्मी है ना ताज मोहम्मद? ताज मोहम्मद की अम्मी हाँ जी। अच्छा ये बताइए 6 महीने पहले और आज में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उम्मीद जगी है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? बहुत उम्मीद है मुझे जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जब हम गए थे 6 महीने पहले तो एक मायूसी थी आपके चेहरे पे, आपको ये लग रहा था कि मेरा बच्चा ठीक होने हो पाएगा, तो लोगों ने भी आपकी मदद की बहुत मदद की है। तो हाथ पैर में कुछ जान आई है? बहुत जान आई, नस भी सारी दिखने लगी हैं जी जी, और पैरों पे भी, और कोशिश कर रहा है अपने उससे मतलब बोलने की, तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा पहले से बहुत फर्क है। तो जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद करते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? बस उनका बस शुक्रिया करना चाहूँगा जी जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी भी मज़हब से हो, कि ताज मोहम्मद की मदद कीजिए। ताज मोहम्मद अगर पैरों पर चलेगा तो बड़ी खुशी होगी, हमें भी आपको भी खुशी होगी कि एक ताज मोहम्मद को आपने नई ज़िंदगी दी।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।